किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है मेरे किसान साथियों। अगर आप पालक की खेती करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा मेरे किसान साथियों। मैं कुछ सीड के बारे में बात करूंगा जो कि पालक के सीड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सीड हैं और इसका उपयोग आप कर सकते हैं मेरे किसान साथियों। मैं इन्हीं के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि जैसे जिंदल का ये सौरभ है, जिंदल का सौरभ जो ये भी बहुत बढ़िया सीड है, ये पालक का सीड है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसको भी लगाकर आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन के मामले में भी बहुत अच्छा है। 2 से 3 कटिंग आसानी से कर सकते हैं। 2-3 कटिंग करने के बाद ही इसमें कोई फूल वगैरह आने का इसमें संभावना होती है। और वैसे तो मेरे किसान साथियों पालक के बहुत ढेर सारे सीड्स आते हैं, लेकिन ये जो सीड हैं एक ब्रांड है, ब्रांड के तौर पर हैं। थोड़े से कीमत इसके महंगा पड़ते हैं, लेकिन ये जो आपका उपज देते हैं, जो क्वालिटी देते हैं, बहुत ही अच्छे देते हैं मेरे किसान साथियों। अब हम बात कर लेते हैं स्वाति कंपनी का जो पालक का सीड्स है, जिसे तिलहरी ग्रीन के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सीड्स है और इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं मेरे किसान साथियों। जो तिलहरी सीड्स है उसके जो पत्ते होते हैं हरे रंग के होते हैं, चौड़े रंग के होते हैं और 35 से 40 दिन में ये भी तैयार हो जाते हैं। वैसे तो हर पालक मेरे किसान साथियों 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ये क्वालिटी पे ही मार्केट में जोर पकड़ते हैं। तो मेरे किसान साथियों इसको भी आप लगा सकते हैं, लगाकर बहुत ही अच्छा खासा उपज ले सकते हैं मेरे किसान साथियों। आगे हम बात करेंगे एग्रो सीड्स का जो पालक का सीड्स आता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है और ये सुप्रिया है मेरे किसान साथियों। ये ग्रो सीड का जो सुप्रिया है वो भी बहुत ही अच्छा पालक का सीड है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आप इसकी भी उपज बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही अच्छा ये क्वालिटी का सीड है, इसको भी आप लगाकर अच्छा खासा उपज ले सकते हैं मेरे किसान साथियों। पालक का कोई भी सीड आप लगा रहे हैं, लेकिन खेत की तैयारी आप अच्छी तरह कर रहे हैं, क्योंकि खेत की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर खेत की तैयारी आप अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं तो कोई भी पालक लगाएंगे उसकी उपज अच्छी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो मार्केट में अच्छी तरह बिकेगा नहीं। इसलिए मेरे किसान साथियों पालक कोई भी क्वालिटी आप पालक का लगा रहे हैं, या ये ग्रो सीड्स हो या पंजाब सीड्स हो या कोई भी सीड्स हो, आप इसकी जो तैयारी होती है खेत की अच्छी तरह करें। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, बर्मी खाद, जो भी खाद होती है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप डाल दें, उसके बाद इसकी बुआई करें मेरे किसान साथियों। अब बात करते हैं पंजाब सीड्स का भी जो सीड आता है आपको पालक का, ये बहुत ही अच्छा आता है, इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं और इसको भी लगाकर आप बहुत ही अच्छा खासा उपज ले सकते हैं मेरे किसान साथियों। गोबर की खाद डालने के बाद आप पालक लगा रहे हैं तो पोटाश जरूर डालें, पोटाश डाल दें, DAP डाल दें और हाँ यूरिया तब डालें जब पालक आपका 8 से 10 दिन का हो जाए, मतलब 8 से 10 दिन जमने के बाद अब जब फर्स्ट पानी दें तो फर्स्ट पानी के साथ ही यूरिया आप डाल सकते हैं मेरे किसान साथियों। यूरिया थोड़ा सूक्ष्म मात्रा में आप डालें, अधिक मात्रा में ना डालें। अधिक मात्रा में यूरिया डालने से आपका पालक ख़राब हो सकता है। तो मेरे किसान साथियों पंजाब सीड्स का ये सीड है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं मेरे किसान साथियों जो कि आपका जैनको सीड है। जैनको सीड्स भी बहुत ही अच्छा सीड्स है और इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक ग्रीन क्वालिटी का पालक है, इसका भी पालक की जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है और इसको भी 3-4 बार आप कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 से 4 बार कटिंग कर सकते हैं और इसका भी उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे किसान साथियों जिसको भी आप लगा सकते हैं और लगाकर बहुत ही अच्छा उपज ले सकते हैं मेरे किसान साथियों। मैं जो भी सीड्स आप लोग को बताता हूँ ये ब्रांडेड कंपनियों के बारे में बताता हूँ, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करके आप ट्राई के टॉप भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे भी इसको उपयोग कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा उपज ले सकते हैं मेरे किसान साथियों। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं ज़्यादातर सीड के बारे में, खेती के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियाँ देता हूँ। मेरे जानकारी देने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे देश के किसान, मेरे किसान भाई जो भी हैं इसको जानें, सीखें और प्रयोग करें, प्रयोग करके अच्छा खासा इनकम करें मेरे किसान साथियों। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन घंटी इसको दबाना मत भूलिएगा।